नमस्कार, सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आज की ताजा गतिविधियों पर। जैविक खेती को लेकर किसानों को किया जागरूक। काशवी फाउंडेशन ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाई मुहिम। डीएवी पब्लिक स्कूल में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। दिन प्रतिदिन खेतों में रसायन खाद्य और कीटनाशक के प्रयोग से कृषि योग्य भूमि बंजर हो रही है। रासायनिक खाद युक्त अनाज खाने से कैंसर व कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। अगर समय रहते रासायनिक खाद के प्रयोग को रोका नहीं गया तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह बात राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद और काशवी फाउंडेशन दिल्ली के सहयोग से जिले के डीएवी पब्लिक स्कूल रादौर में आयोजित किसान जागरूकता कार्यक्रम में फाउंडेशन की चेयरमैन डॉक्टर विश्व मोहिनी ने किसानों को समझाते हुए कहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएवी विश्वविद्यालय जालंधर की रजिस्ट्रार डॉक्टर सुषमा आर्या ने की। फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी संजीव सेठ ने किसानों को जैविक खेती के फायदे बताते हुए भारत सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। किसानों को वेस्ट डीकम्पोजर के माध्यम से जैविक खाद व कीटनाशक बनाने की विधि बताई। उन्होंने बताया कि किसान 100 रुपए खर्च कर 200 लीटर कीटनाशक व खाद तैयार कर सकता है। बताए गए वैज्ञानिक विधि के माध्यम से एक महीने में गुणवत्तापूर्ण खाद बनाया जा सकता है। डॉक्टर विश्व मोहिनी ने बताया कि जिले में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही किसानों को संस्था के माध्यम से जैविक खेती करने की प्रशिक्षण भी दिया गया। कार्यक्रम में रादौर के दर्जनों गाँव के किसानों ने भाग लिया। स्कूल के प्राचार्य रमन शर्मा ने कार्यक्रम में आए हुए सभी किसानों और फाउंडेशन के लोगों का आभार व्यक्त किया। तो आपने 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ डाल के ये डाल दिया तो आपका 200 लीटर सॉल्यूशन तैयार हो गया, घोल तैयार हो गया। 7 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में गर्मी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बिल्कुल तैयार हो गया। अब उसको आपने अगर बांटना है आगे तो उसमें से आप 10-10 लीटर के ड्रमिया या शीशिया निकाल के अलग रख लो। आपने पड़ोसी को देना है, आप उसको 10 लीटर दे दो और वो पड़ोसी फिर 200 लीटर पानी में वो 10 लीटर डाल देगा और 2 किलो गुड़ और डाल देगा तो उसका एक ड्रम और तैयार हो गया। आप इस तरह से 100 ड्रम पैदा कर लो, ये जमन है एक तरह से। आपने उसको ही वो संदीप सर ने जो बात की है वो शायद आपको वो नहीं वो हुआ कि आपने कहा कि पूरा का पूरा ड्रम संभाल के रख लें। वो जब पूरा ड्रम आप संभाल लोगे तो वो इतना कंसंट्रेट हो जाएगा, उसमें इतना बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा कि उसमें आपको हजार हजार लीटर पानी डालना पड़ेगा। इसलिए आप 200 लीटर का फार्मूला बड़ा आसान है कि 200-200 लीटर के ड्रम्स में आप 400 लीटर बना लो। अगर जमीन ज्यादा तो 400 लीटर में 4 किलो गुड़, लेकिन 400 लीटर आप संभाल के मत रखना, ये कह रहे हैं संजीव जी। आपने जो अगली फसल के लिए तैयार रखना है वो सिर्फ आपने 10 लीटर ही संभाल के रखना है जमन की तरह, फिर उसको 200 लीटर या। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।